सब्सक्राइबर और मैं तुमान भी हूँ, सबको मेरी तरफ से सलाम और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने वाला हूँ बारिश का मौसम और इस सर्दी में क्या दिल करता होगा आपका, तो इसी में मैं आज बनाऊंगा आपके लिए स्पाइसी फ्राइज। और इस तरह फ्राइज सिंपल फ्राइज नहीं, आप किस तरह स्पाइसी फ्राइज बना सकते हैं तो मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और स्पाइसी फ्राइज बनाना सीखिएगा। चले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मुझे करना है आलू, आलू लेने, आलू जितने आप आलू ले सकते हैं, चार मैंने तो चार आलू लिए हैं फ्राइज बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले आलू को कट करूँगा, आलू का छिलका उतारूँगा सबसे पहले। तो साथ रहिएगा, साथ देखते रहिएगा हल्का हल्का। आलू मैंने सारा छिलका सबका उतार दिया आलू का, उसके बाद क्या करना है, अब आलू काटने के लिए फ्राइज काटने के लिए करूँ पहले तो बिल्कुल दरम्यान में से दो काट कर दें, उसके बाद जो फर्स्ट पीस होगा आपने उसको इस तरह रखना है बिल्कुल पतले पतले, ज़्यादा मोटा नहीं करना आलू को, ठीक है। ये मेरे आलू मैंने कट कर लिए फ्राइज़ के लिए, आलू मेरे बिल्कुल रेडी हैं। तो देखिए ऑयल मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है ऑयल को, ऑयल अब सही तरह ऑयल को गर्म होने देना है अपने, ऑयल सही तरह जब गर्म होगा तो तब फिर इसमें, अब मैं ऑयल के गर्म होने तक इससे पहले मैं अपने फ्राइज़ की जो चीज़ें हैं वो रेडी कर, मेरे आलू भी रेडी हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगा किस तरह स्पाइसी करें, सबसे पहले आलू को आपने बाउल लेना, बाउल में सारे आलू डाल दे, सारे आलू एक बाउल में डाल दिए। उसके बाद मैं ले रहा हूँ गरम मसाला, ऐसे करें गरम मसाला, तो ये मैं डालूंगा इसको पहले, इसके ऊपर डाल दूंगा ये डाल दिया गरम मसाला। उसके बाद डालूंगा सुरख मिर्च, सुरख मिर्च डालूंगा, उसके बाद में डालूंगा तो नमक में डालूंगा जितना आप खा सकते हैं नमक, नमक मैंने नमक में डाल दिया। उसके बाद ज़ीरा, थोड़ा ज़्यादा ज़ीरा नहीं डालना, हल्का सा बस जायके के लिए, ये ज़ीरा हो गया। उसके बाद कॉर्नफ्लावर ज़्यादा नहीं डालना, हल्का सा एक ये देखिए बस हल्का सा आपने कॉर्नफ्लावर डाल दिया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेसन, बेसन और ये एक दो दो चमचे डाल दिए, सिर्फ दो चम दो चमचे काफ़ी है आपके, दो चमचे डाल दिए बेसन डाल दिए। उसके बाद आप पानी भी डाल सकते हैं लेकिन मैं पानी नहीं डालूंगा, मैं जायके के लिए डालूंगा सोया सॉस, ये सोया सॉस और ये आ गया चिली सॉस, और ये अभी भी नहीं, मेरा साथ साथ ऑयल भी गर्म हो रहा है, ये मैंने डाल दिया इसके ऊपर चिली सॉस, चिली सॉस डाल दिया। उसके बाद ये सारी चीज़ सारा कुछ मैंने आपको, ये देखिए सारा कुछ मैंने डाल दिया, थोड़ा सा क्लोज आएगा उसको, अब मैं सबको मिक्स करूँगा, मिक्सअप करना है सबको। ये देख
आप भी ट्राई कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब।